ये बच्चा दुबई व्लॉग के चैनल से बच्चा आपको खुशामदीद कहता है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। दुनिया का मिल जाना कोई कामयाबी नहीं है, दुनिया का न मिलना कोई नाकामी नहीं है, अल्लाह का मिल जाना कामयाबी है और अल्लाह का न मिलना सबसे बड़ी नाकामी है। मेरे भाई बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलाता रहता हूँ, आज हमारे आज़ाद कश्मीर से अनताई एम शख्सियत मेरे साथ हैं। अपने वक्त के अनताई ज़बरदस्त ऑफिसर भी रहे और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी जो है ना उनकी जान पहचान और उनका तल्लक वास्ता अपने अरूज में ही रहा, और ना कि सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि बैरूनी कंट्री में भी जिन लोगों के साथ उनके इखलास और अखलाक थे वो लोग आज भी उनको जानते और पहचानते हैं, और उनकी परजोर फरमाश पर वो आउट ऑफ कंट्री का भी जो है ना विज़िट करते रहते हैं। आज हम शारजा में यहाँ मौजूद थे तो उनसे मुलाकात हुई, तो मैं जो है ना उनका तारुफ भी करवाता हूँ, अपना उनसे पूछते भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बच्चा मैं कहता हूँ आपसे हमारी मुलाकात वहाँ पे होती है सर, तो यहाँ पे आप हमारी आपकी पहली मुलाकात है। आप हमेशा टूरिज्म यानी कि अमेरिका मुख्तलिफ कंट्री में आप करते रहते हैं, दुबई के हवाले से भी आप कहीं यानी कि आते जाते रहते हैं, यहाँ के और पाकिस्तान जो हमारा आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान के उसमें क्या फ़र्क देखते हैं कि जो चीज़ आप शिद्दत से महसूस करते हैं कि वो वहाँ पर आपने जेल में दावत दी। मैं आज़ाद की पुलिस में 43 साल 8 माह 18 दिन मेरी सर्विस है। मेरे वालद भी बिफोर द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, जो सीनियर में थे, तो मैं समझ लें कि खानदानी पुलिस अफसर। मैंने इतनी लॉन्ग सर्विस की है मैंने, लेकिन आज़ाद की जो वसाइल की कमी है पाकिस्तान में भी वो बहुत वसाइल की कमी है। पुलिस को वो मुकाम हासिल नहीं है जो इन कंट्री में हासिल है। उसकी बेसिक वजह ये है कि एक SHO है थाने का, उसके पास व्हीकल नहीं है, अगर व्हीकल है तो डीजल नहीं है, डीजल है तो उसके लिए और पैसे नहीं है कि वो अपने जेब से खर्चे या किसी इमरजेंसी के पहुँचने के लिए रिस्पांस दे पड़े। पर नहीं कह सकते आई साहब से बड़ी तफसील मुलाकात हुई थी सहेल ताजिक साहब, हमारे सहेल ताजिक ताजिक हबीब साहब इंस्पेक्टर आजाद आए, मेरी 2-2.5 घंटे के साथ मुलाकात हुई। वहाँ भी मैंने ये डीजल वाली बात उठाई थी, उनको मिलना चाहिए था। जहाँ तक अवेयरनेस का तलक है हमारी को बिल्कुल ही इलम नहीं कि उनके क्या हकूक हैं, पुलिस पर पुलिस को उनको क्या मदद करना चाहिए। CRPC बहुत वाजे सी है लिखा है, 59 CRPC में ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी इलाके में कोई शख्स जुर्म करे तो एक पब्लिक का बंदा भी उसको गिरफ्तार कर सकता है, और गिरफ्तार करके नजदीक पुलिस स्टेशन पर देगा या इलाका मस्जिद के पास पेश करेगा। ये हमारी अवेयरनेस नहीं है, ना ही हमारी कागजों में इलेक्शन का मौका मिलता है। मैंने आई जी साहब से भी कहा, गुजारिश की थी कि हमें आफ्टर रिटायरमेंट लोगों को हम फ्री डिलीवरी करेंगे, कॉलेजेस में भेजें, यूनिवर्सिटी में भेजें, ट्रैफिक वार्निंग पे हम उनको लेक्चर देंगे, फिर इंशाल्लाह अवेयरनेस पैदा करेंगे। और इस सिलसिले में हमें लगा मैं वैसे प्रेजिडेंट हूँ पुलिस वेलफेयर आज़ाद कश्मीर का, तो वेलफेयर के सिलसिले में मैंने बहुत से इकदाम किए जो इंस्पेक्टर पुलिस ने मेरी हर बात को माना, और 94 के जख्मियों को पैसे मिले जिन्हें 94 में पुलिस मुकाबले में गोलियाँ लगी थी, लेकिन उन्हें उनकी दादरसी नहीं हुई। अभी सहेल ताजिक साहब ने ताजिक साहब ने उनकी हौसला अफजाई की, उनको अपने दफ्तर में ताकि खाना दिया। यहाँ और वहाँ का हमारा मैच इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ पब्लिक भी बड़ी अवेयर हो सकती है, पब्लिक को ये पता है कि हमारे क्या हकूक हैं और पुलिस को ये पता है हमारे क्या फ्राइज हैं। जहाँ हमारे पाकिस्तान की पुलिस को ये भी पता हमारे फ्राइज के हैं, एक रोड लाइन लगा देते हैं आप 8 बजे ये भी आएगा उसको ये बता दे आए कौन, रात को जाती है 10 बजे वो रात को आएगा, टाइम टेबल नहीं है, ना ही हमारा मुस्तकिल तौर पर कोई अदारा है जो प्रॉपर गाइड करे। हमारे यहाँ जो जेल में जुर्म पलते हैं शायद आप कैसे पता होगा, चूँकि हमारे जो छोटे छोटे जुर्म वाले इखलाकी जुर्म वाले उनको मिक्स डाल देते हैं जेल में, तो जिसलिए पुराने क्रिमिनल लोगों को अपनी पटरी में चला लेते हैं, बात में टिकेरियाँ करते हैं, वारदाते करते हैं, एक मासूम किसी रोड एक्सीडेंट में किसी और वजह से जेल चला गया, और कोई अभी जेल में कोई उसके लिए अलग जगह नहीं है कि उसका कोई इंस्टीट्यूट अलग नहीं है कि उस ऐसे बच्चे को उनसे दूर रखा जाए, उनको जॉइन रखा जाता है जिसकी वजह से जो जराइम पलते हैं नई गैंग बना के आता है, उस गैंग का फेवर हो जाता है जो पहले से। इसलिए मेरा यही पैगाम है कि एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें और अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को ये बताया जाए कि क्या हम के लिए
ऊपर कानून उनकी कैसे मदद कर सकता है, कहाँ से मदद कर सकता है। और लो मैंने जैसे कि पहले बताया, एक आम आदमी को क्या असर है जो जुर्म का वाइन को कंट्रोल करे, खुद गिरफ्तार कर सके। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में ये आज़ाद किसी के डाले में ये बात नहीं है सिविलियन की, हम किसी जुर्म पर मतलब करते कर सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या कहते हैं सर, कि आप क्या होना चाहिए जो आने वाले वक्त में पुलिस के लिए भी ये फायदा है, जितना लोगों को मालूम होगी इतनी पुलिस की बदनामी, इतनी पुलिस की जो है ना टेंशन भी दूर होगी। आप लोगों के अंदर जब जुराम के हवाले से उनको बताएंगे, उनको यानी कि इसके बारे में समझाएंगे, तो उसका सबसे बड़ा फायदा सबसे पहले पुलिस को होगा जी इंशाल्लाह। वो इसी तरह आप हमारा ये हकीकत बात है। हाँ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह कितना बेहतरीन प्रोसेस है, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस का वो पढ़ाती है पुलिस, ऐसा वहाँ नहीं है। अभी इंस्टीट्यूट मेरा ख्याल बनेंगे हमारे यहाँ, पाकिस्तान पुलिस तो बन रहे हैं पुलिस लाइन में, इस्लामाबाद में छुट्टियों में वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कराते हैं पुलिस के अफसर, राइडर कराते हैं, घोड़े रखे हुए हैं, और भी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारी कश्मीर में अभी नहीं है। अभी आई साहब ने कुछ किया हुआ है तो शायद अगर इस पर कम्प्लीट हो गया ये हो रहे और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शारजा की वादियों से आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।